हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में प्रेस और जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है ब्रिटिश राज के दौरान देश में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और कई फियरलेस जर्नलिस्ट पैदा हुए इन न्यूज़पेपर्स की वाइड स्प्रेड रीच थी और इन्होंने इंपैक्ट किया नॉट ओनली सिटीज बट आल्सो द रिमोटेस्ट विलेजेस इस दौर में न्यूज़पेपर्स ने सर्व किया था एज अ पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन न्यूज़पेपर्स ने गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्रिटिकल स्क्रूटनी रेगुलर बेसिस पर करी और इन्होंने एक्ट किया एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन प्रेस की ग्रोथ में कई डेवलपमेंट चैलेंजेस लाइक लिटरेसी कॉलोनियल रेस्ट्रेंट्स और रिप्रेस को भी देखा गया तो आइए इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इंडियन प्रेस की डेवलपमेंट कैसे हुई 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने फाउंड किया था द बंगाल गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। लेकिन इसको 1872 में सीज कर लिया गया क्योंकि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था जेम्स ऑगस्टस हिकी के इसी एफर्ट ने इंडियन प्रेस की नींव रखी इसके बाद कुछ और न्यूज़पेपर और जनरल्स अपीयर हुए जैसे द बंगाल जनरल, कैलकाटा क्रॉनिकल मेड्रॉस कुरियर एंड बॉम्बे हेराल्ड। इस समय कंपनी के ऑफिशियल्स को ये डर था कि इन न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ के थ्रू लंदन तक उनकी रॉन्ग डूइंग्स की खबर पहुंच जाएगी और इसी कारण से इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडियन प्रेस पर कुछ रेस्टोरेंट्स लगाए आइए देखते हैं क्या थे ये रेस्टोरेंट्स इस सीरीज में सबसे पहले है 1799 का सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा लाया गया था इन 1799 इस एक्ट को लाने का मेन उद्देश्य था कि फ्रेंच को रोका जा सके फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश इस एक्ट में कहा गया था कि सभी न्यूज़पेपर्स को गवर्नमेंट स्क्रूटनी से पास होना पड़ेगा प्रायर टू पब्लिकेशन 1807 में इस एक्ट को एक्सपैंड करते हुए इसमें सभी प्रकार की प्रेस पब्लिकेशंस को इंक्लूड किया गया जैसे न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन्स, बुक्स एंड पैम्फलेट्स जब 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने टेक ओवर किया तब उन्होंने इस एक्ट के कुछ रूल्स रिलैक्स किए नेक्स्ट एक्ट है लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ 1823। 1823 की लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने इन रेगुलेशंस में कहा गया था कि कोई भी अगर प्रेस को ऑपरेट करता है विदाउट अ लाइसेंस तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा इस एक्ट का प्राइमरी एम था इंडियन लैंग्वेज न्यूजपेपर्स को टारगेट करना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लें कि 1822 में राजा राम मोहन राय ने एक पर्शियन जर्नल पब्लिश करना स्टार्ट किया था जिसका नाम था मिराटू अखबार लेकिन 1823 की लाइसेंसिंग रेगुलेशंस आ जाने के बाद राजा राममोहन राय ने इस पब्लिकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया था इसके बाद आया था प्रेस एक्ट ऑफ 1835, जिसको मैट कैफ़े एक्ट भी कहा जाता है 1835 के प्रेस एक्ट में जिसको कि मैट कैफ़े एक्ट भी कहा जाता है 1823 की लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को हटा दिया गया था और इसी कारण से मैट कैफे को लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी कहा जाता है लॉर्ड मैट कैफे की यही लिबरल प्रेस पॉलिसी के कारण इस दौर में रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स देखी गई मैट कैफे एक्ट 1856 तक लागू रहा और इसके बाद आया लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 लाया गया था इस एक्ट को गवर्नर जनरल कैनिंग लेकर आए थे और इसका उद्देश्य था स्ट्रिक्टर रेस्ट्रिक्शंस लगाना ऑन द इंडियन प्रेस एक्चुअली 1857 के रिवोल्ट के बाद वर्नकुलर प्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही थी और इसी कारण से लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। इस एक्ट के काफी प्रोविजंस एडम्स रेगुलेशन ऑफ 1823 के सिमिलर ही थे इस एक्ट को एक साल के लिए ही इक्ट किया गया था लेकिन यह 1865 तक फोर्स में रहा इस एक्ट में कहा गया था कि किसी भी पेपर को पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी होगा इस एक्ट में गवर्नमेंट को राइट टू ग्रांट एंड रिवोक लाइसेंसेस भी दिया गया था गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई थी कि वो किसी भी न्यूज़पेपर या बुक को पब्लिश होने से प्रोहिबिट कर सके तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू